और राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है, राजा चंद्रचून सिंह की एक ही बेटी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजकुमारी का नाम निहारिका था। निहारिका बहुत दयालु और पशु पंछियों को प्रेम करने वाली थी। मेरा भी एक भाई या बहन होता तो कितना अच्छा होता। इस बात को लेकर वह कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पंछियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचे के काफी अंदर चली गई। तभी उसने एक खून से लथपथ एक हिरण को देखा। राजकुमारी निहारिका का हृदय करुणा से भर गया और वो दौड़कर उस हिरण के पास गई। हिरण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम मेरी मदद कर सकती हो? राजकुमारी निहारिका हैरान हो गई। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। राजकुमारी हैरानी से उस हिरण को देखने लगी। हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ। मैं परी लोक की परी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी जादुई छड़ी चुरा लिया, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अपनी दुष्ट शक्तियों से हिरण में बदल दिया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने मुझे तीर से घायल कर दिया। मैं अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओह, यहाँ तो बहुत खून बह रहा है। रुको, मैं ये तीर निकाल देती हूँ। तुम ये तीर जल्दी से निकालकर मुझे गंगा जल पिला दो। मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरी शक्ति भी वापस आ जाएगी। राजकुमारी निहारिका ने हिरण के शरीर में लगा तीर निकाल दिया तथा अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरण को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ी। अचानक निहारिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। तभी राजकुमारी, आप इस हिरण को छोड़ दीजिए। ये मेरा शिकार है। मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिरण मेरी शरण में आया है। इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राजकुमारी समझ गई थी कि ये वही तांत्रिक है जो तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ने लगा। तभी राजकुमारी, तुम सामने वाले पेड़ के 3 चक्कर लगाकर मुझे हवा में उछाल दो। मैं अदृश्य हो जाऊंगी और वो तांत्रिक जब मुझे नहीं देखेगा तो अपने आप वापस चला जाएगा। निहारिका ने वैसा ही किया। हिरण अदृश्य हो गया। कहाँ गया वो हिरण? मुझे नहीं पता। ये कहकर वो महल की तरफ बढ़ गयी। महल में पहुंचकर उसने देखा कि हिरण वहीं झाड़ियों में बैठा था। राजकुमारी ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। राजकुमारी, तुम ये सब किसी से मत कहना। इस बात को तुम राज ही रखना। राजकुमारी हिरण को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और गंगा जल लाने के लिए चली गयी। राजकुमारी निहारिका ने गंगा जल हिरण को पिला दिया। गंगा जल पीते ही हिरण की जगह एक अत्यंत खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। परी हवा में ही खड़ी थी। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी निहारिका की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक सुनहरी परी खड़ी है। प्यारी निहारिका, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गई थी। तुमने मुझे बचाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग लो। राजकुमारी निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बड़े भाई या बहन दे दो जो हमेशा मेरे साथ ही रहे और मेरे साथ खेले कूदे, नृत्य करें। प्यारी निहारिका, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए एक उपाय करना होगा। आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगी। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपने बगीचे में रहने वाले नाग के जोड़े को 1 साल तक चांदी के कटोरे में दूध पिलाना होगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उनको दूध पिलाते हुए देख लिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ये उपाय जरूर करूंगी। आप तो मेरे साथ ही रहेंगी ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी। फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी निकाली और राजकुमारी को देते हुए कहा, इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा अंगूठी से कह देना, तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना कहकर वो परी लोग चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ आई। राजकुमारी उसी दिन से रोज अपने बगीचे में जाती और एक चांदी के कटोरे में दूध भर कर रख देती। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती। नाग नागिन सरसराते हुए आते और दूध पीकर अपने बिल में चले जाते। एक साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। राजकुमारी एक दिन जैसे ही उन नागों को दूध पिलाने के लिए दूध लेकर वहां पहुंची थी कि तभी एक सपेरा आया। उसने जैसे ही महल के बाहर अपनी बीन बजाई, नाग नागिन पेड़ की खोखल से निकलकर बाहर जाने लगे। ओ, अब क्या करूं? तभी उसने अपनी उंगलियों में से परी की दी हुई अंगूठी निकाली और झट से बोली, परी जल्दी आओ, इन नागों को रोकने में मेरी मदद करो। उसी समय परी हाजिर हो गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और नाग का जोड़ा वापस आकर दूध पीने लगा। राजकुमारी, तुम्हें नहीं पता, ये सपेरा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जो इन नागों की खोज में यहाँ आया है। अब क्या होगा? मैं अपनी ये जादू की छड़ी तुम्हें देती हूँ। जब भी कभी तुम्हें उस तांत्रिक के आने का पता चले, तुम उस पेड़ के चारों तरफ छड़ी से एक घेरा बना देना। वैसे भी अब एक साल पूरा होने वाला है, तुम्हारी तपस्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब ये छड़ी तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। ओ बिल्कुल, पर ये अंगूठी तो मेरे पास ही रहेगी ना? हाँ, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर परी आसमान में उड़ गई। एक दिन राजकुमारी बगीचे में दूध लेकर गई और एक कटोरा रख दिया। तब नाग नागिन आए और उन्होंने दूध नहीं पिया। आज क्या बात है, ये लोग दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? राजकुमारी, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई। तुम अपने महल में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्या मेरा कोई भाई या बहन आ गया? तुम खुद जाकर देखो। राजकुमारी भागती हुई महल में पहुंची तो राजा रानी की गोद में दो बच्चे बैठे थे। मेरे बरसों से अधूरी इच्छा पूरी हो गई। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं? राजकुमारी, आपको तो अपने बगीचे में ही समय नहीं मिलता, इसीलिए हमने सोचा अब आपका मन लगाने के लिए आपको जीते जागते खिलौने दे दिए जाएं। राजकुमारी जानती थी कि ये परी की दया और उसकी तपस्या का ही फल है। वो मुस्कुराई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। कभी कभी वो अंगूठी से कहकर परी को बुलाना न भूलती थी। राजा सुहेल सिंह के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार दिखने में जितने ही रूपवान थे उतने ही बहादुर भी थे। छोटा राजकुमार अनूप सबका दुलारा होने की वजह से कुछ भी काम नहीं करता था। अनूप, तुम भी कुछ जिम्मेदारियां संभाल लो। अब मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। राजा बहुत परेशान हो गए। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को बुलवाया। अब तुम सब बड़े हो गए हो, दूसरे देशों में जाओ, घूमो और जाकर उनके बारे में जानकारी लेकर आओ। इससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरे ना रहने के बाद तुम अपने राज्य की देखभाल भी अच्छे से कर पाओगे। दोनों बड़े राजकुमार तो तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने अपने घोड़े कसे और देशाटन के लिए निकल गए। अनूप आनाकानी करने लगा। बेटा, तुम भी जाओ और देखो दूसरे राज्यों में कैसी व्यवस्था है। बहुत समझाने पर वह जाने को तैयार हुआ। मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा कि मैं शाही भेष में नहीं जाना चाहता हूँ। राजा ने उसे एक साधारण आदमी की पोशाक बनवा कर दी और एक सफेद घोड़ा दिया। अनूप भी चला गया। वो 2 दिन तक चलता रहा। बहुत दूर जाने पर उसे किसी राज्य की सीमा दिखाई पड़ी। इस राज्य के राजा कैसे हैं? मैं एक राहगीर हूँ और इस राज्य के राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी एक परेशानी है। वो क्या है? राजा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत बाग है जो बहुत वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। उसमें कोई जा नहीं सकता क्योंकि लोगों का मानना है कि उसमें भूतों का डेरा है। जो कोई भी रखवाली करने के लिए जाता है वो वहाँ से बच के नहीं आता। अनूप को एक उपाय सूझा। उसने राजा के महल में खबर भिजवाई कि वो उसके बाग की देखभाल करना चाहता है। राजा ने उसको बुलवाया। आज तक जो भी उस बगीचे में गया है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, एक बार सोच लो। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। बस मुझे एक पत्तों के रंग की पोशाक मंगवा दे। मैं उस बाग में जाकर उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। कुछ ही समय में पोशाक आ गई। थोड़ा बहुत सामान लेकर अनूप बाग में चला गया। उसने देखा कि बाग तो वाकई बहुत सुंदर था। उसमें चारों तरफ तरह तरह के फल फूल लगे थे। एक खूबसूरत सी झील थी। उसने वहां जाकर झील के किनारे अपना आसन जमा लिया और सारे दिन वहीं बैठा रहा। जब रात हुई, वहीं एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों में जाकर छुपकर बैठ गया। थोड़ी रात गई तब उसने देखा अचानक रात के सन्नाटे में झील में कुछ हलचल हुई और एक जलपरी बाहर निकल कर आई। वह जैसे ही बाहर आई, झील चारों तरफ से जगमगा उठी। उस रोशनी में वह जलपरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जलपरी आई, उसके पीछे बहुत सारे जलपरियों का झुंड झील से बाहर निकला और सबने पूरे बगीचे में दौड़ना, कूदना और तरह तरह के खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ नन्ही जलपरियां तो पेड़ों के पत्तों को नोच रही थीं, कोई जाकर फल तोड़ता था, कोई फूल चुनने लगा तो कोई बैठकर माला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी जलपरियां नाच गाना करने लगी। अरे ये तो स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। वह रात भर यह सब कुछ देखता रहा। जैसे ही सुबह होने को आई, उसने देखा जलपरी ने 3 बार ताली बजाई और सारी की सारी जलपरियां एक साथ झील के अंदर कूद गईं। सबसे आखिर में वह जलपरी गई जो सबसे पहले झील में से बाहर आई थी। ऐसा लगता था कि वह सबकी रानी थी। अनूप ने अपनी पलकें झपकाई और पेड़ के नीचे आ गया। इसके बाद उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। सुबह जब राजा के परिंदे आए तो अरे ये तो गहरी नींद में सो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है। काफी दिन बीत गए। वह रोज शाम होते ही बाग में चला जाता था और सब कुछ देखता था। एक दिन तुमने वहाँ किसी को आते जाते देखा क्या? अनूप अभी कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जल्दी ही पता लगा लूंगा। एक दिन जलपरियों के जाने के बाद जब वह पेड़ से नीचे आया तो उसने देखा एक अंगूठी गिरी हुई है। उसने उस अंगूठी को उठाकर अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर के बाद एक जलपरी भागी हुई झील से बाहर आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है और बिना अंगूठी के मैं जलपरी लोक में नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे अंगूठी चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। आज के बाद इस सुंदर बगीचे में तुम में से कोई भी कदम ना रखे और इस झील को छोड़कर तुम लोग कहीं और चले जाओगे। जलपरी सुनकर सख्ते में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ बहुत दिनों से आते हैं। ये तो हमारी रानी जलपरी ही फैसला कर सकती है। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलोगी? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छूना भी मत। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं वापस अपने जलपरी लोक में कभी नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहकर ही बात करो। वैसे तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। इस जल जीवन से निकलकर देखना चाहती हूँ कि दुनिया कैसी है। ठीक है, ये लो अपनी अंगूठी। अनूप ने उसको अंगूठी वापस कर दी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कल रात तक मेरा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अनूप सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह फिर से जाकर पेड़ पर बैठ गया। वो सारी रात बैठा रहा। उस रात कोई नहीं आया। सुबह होते ही पूरा बाग ढेर सारे सुर्ख लाल फूलों से लद गया। सारे फूलों का रंग लाल था। यह देखकर अनूप बहुत खुश हुआ। सुबह हुई तो बाग का लाल रंग देखकर पूरे राज्य में शोर मच गया कि बाग में आग लग गई है और अनूप उसमें जल गया है। अचानक अनूप राजा के पास पहुँचा। राजा उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आश्वासन दिया। अब आपके बाग में कोई नहीं आएगा और आपका बाग हमेशा आज की तरह फल और फूलों से लदा रहेगा। बहादुर युवक, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज रात की मोहलत चाहिए और मैं आज रात को भी बाग में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। अनु बाग में गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। बहुत रात बीतने के बाद उसने देखा जलपरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी और पीछे बहुत सारी जलपरियां और रानी जलपरी भी थी। मैंने आज तक इतना बुद्धिमान और हिम्मत वाला राजकुमार नहीं देखा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस जलपरी से विवाह कर लो। अनूप तो यही चाहता था। वह बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी राजा के पास गया। तब उसने राजा को अपने बारे में सब कुछ बताया। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। अनूप जलपरी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया। पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। हाँ राजकुमार, तुमने जो कहा था वो कर दिया है। जलपरियों ने राजा के बगीचे को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गयी। राजा का बगीचा हमेशा के लिए सुर्ख लाल फूलों से महकता रहा। जब तक लोग जिंदा रहे, सबने अनूप की कहानी हमेशा याद रखी और उस बाग का नाम ही लाल बाग पड़ गया।